ओडिशा से बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने पार्टी को टिकट लौटा दिया है। मोहंती ने टिकट लौटाने की जानकारी देते हुए कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी की तरफ से मिलने वाली राशि नहीं दी गई है, जिस वजह से वह चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही है। बता दें कि पूरी सीट पर सुचिता मोहंती का मुकाबला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से था। पूरी लोकसभा सीट पर वोटिंग लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को होने वाली है। इस सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई है। बीजेपी के अरूप पटनायक और बीजेपी के संबित पात्रा ने पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया है। मोहंती का नामांकन अभी बाकी है। वहीं पूरी प्रत्याशी ने कांग्रेस को ऐसे समय पर टिकट लौटाया है जब सूरत में पार्टी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने से बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध जीत मिली, जबकि इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया था। No, I haven't denied. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these two conditions.